हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल डोर टू लर्न पर। आज हम लोग क्लास 7 का मैथमेटिक्स चैप्टर स्वयं करें 11.1 पेज नंबर 136 का 2 नंबर सम्स करने वाले हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, नीचे के भिन्नों का वर्गमूल निकालो। इनका वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल कैसे निकालेंगे देखिए। लिखा क्या है आपका 16/25, तो इसका हम लोग वर्गमूल करेंगे ना, का वर्गमूल इक्वल टू, वर्गमूल का साइन ये होता है 16/25 इक्वल टू, 4 × 4 कर सकते हैं ना 16 को, और 5 × 5 25 होता है। इक्वल टू देखिए, रूट में जब दो संख्या रहे, एक ही संख्या दो बार रहेगा, 4 का स्क्वायर है ना, तो क्या ना 16 होता है, तो 4 का स्क्वायर, तो हम लोग क्या करेंगे रूट से बाहर निकालेंगे, तो 4 सिर्फ 1 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा, यही आंसर लिखेंगे। 4/5 का वर्ग होता है 16/25, 16/25 का वर्गमूल क्या होता है 4/5। देखिए 4 × 4 कीजिए, देखिए 16 आ जाएगा, 5 × 5 कीजिएगा तो 25 आ जाएगा। अब देखिए 2 नंबर क्या है, 9/64 का वर्गमूल, तो करिए 9/64, तो 9 क्या होता है 3 × 3 होता है, 64 किसका होता है 8 × 8, तो अब ये 3 का स्क्वायर हो गया, 8 का स्क्वायर हो गया, तो रूट में है ना, रूट में है, तो हम लोग बाहर निकालेंगे रूट से बाहर, तो क्या हो जाएगा 3/8, यही आंसर लिखेंगे। 3 नंबर देखिए, 36/121 का वर्गमूल, तो करिए 36/121, तो 36 क्या हो जाएगा 6 × 6, और 121 किसका होता है 11 × 11 कीजिएगा, 121 आता है, तो ये 6/11 हो जाएगा, यही आंसर लिखेंगे। नंबर सम्स क्या है, 144/169 का वर्गमूल, तो देखिए इसका वर्गमूल कैसे करेंगे, 144/169 का वर्गमूल कैसे होगा, 144 किसका होता है 12 × 12 कीजिएगा, 144 आता है, बट्टा 13 × 13 कीजिएगा 169, तो ये रूट में दो संख्या, तो क्या है रूट से बाहर निकलेगा तो एक संख्या बन जाता है ना, 12 का स्क्वायर हो गया रूट के अंदर, तो ये रूट से बाहर निकालेंगे तो 12 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा, 12/13, यही आंसर लिखेंगे। अब देखिए क्या है 5 नंबर सम्स आपका, 225/289 का वर्गमूल इक्वल टू, वर्गमूल का साइन डालेंगे 225/289 लिखेंगे। देखिए तो 15 × 15 करेंगे तो क्या आएगा 225 आता है, और 289 किसका होता है 17 × 17 का, तो ये आ जाएगा 15/17, यही आंसर लिखेंगे। इसी तरह बनाइएगा। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।